गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पंडित दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जेनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रॉसिंग ओवर, जिसे जीन विंग में कहते हैं, उसको आज बताऊंगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा और एक एक चीज क्लियर करते चलते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जिसे जीन विंग में कहते हैं, वो डीएच मार्कर ने बताया था कि सहलग्न जीन का पृथक होना ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें सहलग्न जीन के बारे में बताया था कि सहलग्न जीन क्या होता है और क्या कैसे प्रोसेस होता है। वही चीज यहाँ पर है कि सहलग्न जीन मतलब एक गुणसूत्र के पर जो जीन उपस्थित होते हैं या जीन के समूह उपस्थित होते हैं नजदीक नजदीक, उनको हम सहलग्न जीन कहते हैं। वही सहलग्न जीन का पृथक अलग अलग होना ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। उसके बाद पुनः संयोजन उत्पन्न होने का कारण, जो रिकॉम्बिनेंट उत्पन्न होते हैं, तो वो उसका कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर ही है। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही पुत्रों में या स्त्री में जो नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, माता पिता से लक्षण से थोड़ा सा अलग हट के लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो उसका कारण क्या है? वो है क्रॉसिंग ओवर है। तो ये ध्यान देना है कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट उत्पन्न होते हैं, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। और परिभाषा इसकी क्या होगी, अगर परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा क्या होगी, संजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य खंडों का इंटरचेंजेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो संजात गुणसूत्र पहले समझेंगे कि अब संजात गुणसूत्र किसे कहते हैं, इसके बाद भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को समझेंगे कि उसको क्या कहते हैं, उसको किस तरह से समझेंगे। तो यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है, संजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य खंडों का इंटरचेंज होता है, उसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, एक डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र और ये दोनों जो आर्म्स है इसके, वो सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। क्या कहता है? ये संजात गुणसूत्र है, ये एक संजात गुणसूत्र है और ये एक संजात गुणसूत्र है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। और ये भी क्या है, ये भी आर्म्स क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, लेकिन ये और उनके बीच ये क्या, ये दोनों के मध्य क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जो सब यहाँ पर आया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, वो आप समझ गए होंगे कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर ये इसका संजात गुणसूत्र का एक आर्म और इस संजात गुणसूत्र का एक आर्म, दो आम है और इनको हम क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो आप क्लियर हो गए कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहते हैं और संजात गुणसूत्र किसे कहते हैं। संजात गुणसूत्र किसे, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, संजात गुणसूत्र का मतलब होता है कि ये गुणसूत्र है एक जैसा है और ये संजात गुणसूत्र है, ये भी एक संजात गुणसूत्र है और ये भी एक संजात गुणसूत्र है, और इन दोनों का जो आंश है वो सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है, और ये भी इन दोनों का अंश क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा, लेकिन इसका और इसका, एक इसका अंश और एक इसका अंश क्या कहलाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहते हैं। अब इन अंश के बीच अगर क्रॉसिंग हो, जैसे इस डायग्राम में मैंने बताया कि इसका एक अंश और इसका एक अंश दोनों क्या हो, ओवरलैप हो जाए, क्रॉसिंग हो जाए, तो और उस स्थान को जहां पर ये दोनों ओवरलैप करते हैं, उस स्थान को हम कहते हैं कियाजमेटा पॉइंट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कियाजमेटा पॉइंट क्या होगा, जहां पर दो आर्म्स आपस में मिलते हो या दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ते हो, उस स्थान को हम कियाजमेटा क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं, मिल करके अलग होते हैं, अलग होंगे तो कुछ पार्ट इसका इसमें चला जाएगा और कुछ पार्ट इसका उसमें चला जाएगा, इंटरचेंज होता है, कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा और इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा। इस डायग्राम में देखना है कि ये व्हाइट वाला पोर्शन है इसमें चला गया और येलो वाला पोर्शन इसमें आ गया है, इस तरह से जो जीन की अदला बदली हो गई, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गया है। क्या हो गया है, क्रॉसिंग ओवर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच के खंडों का अदला बदली ही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो क्लियर हो गया है। अब ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, तो ये आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, तो सेल डिवीजन पढ़ते समय आपने पढ़ा होगा इंटरफेज अवस्था होती है, फिर आप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ा होगा, तो उसी में जो मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन के क्या पर जो मियोसिस डिवीजन की फर्स्ट अवस्था होती है, जिसमें आप फाइव सब स्टेजेस होते हैं,
वो सब स्टेट में जो पाई की तीन स्टेट होती है इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा क्रॉसिंग ओवर से लेकिन किस प्रवस्था में प्रवस्था में होती है, तो पाई की तीन अवस्था होती है वो पाई की तीन स्टेट में ही क्रॉसिंग ओवर होता है और ये मियोसिस प्रोफेज स्टेट फर्स्ट के अंतर्गत आती है। तो ये ध्यान देने वाला है कि क्रॉसिंग ओवर कहां पर और किस स्टेट में होती है, पाई की तीन स्टेट में होती है। प्रश्न कई बार पूछा गया है इसको इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा, पाई की तीन अवस्था में होती है। अब क्रॉसिंग ओवर की विजुअल जैसे आप वहां पर पांच अवस्थाएं होती हैं, तो अब उसमें डिप्लोटीन है इसके बाद फिर क्या कहते हैं नाइकीटीन है, तो जो शुरुआत होती है वहां पर विजुअली दिखने लगता है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो वो स्टेज होगी डिप्लोटीन होगी। इसको भी याद रखना है आपको कि विजुअली कहां पर हम किस स्टेज में सब स्टेज में देख पाते हैं तो डिप्लोटीन अवस्था में देख पाते हैं, इसको एक ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और एक दो पॉइंट उसको भी याद रखना आपको है कि वो क्या है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो जो जीन के बीच की मध्य की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो मैं यहाँ पर भी लिख के आप बता भी रहा हूं मैं कि कैसे होती हो, कितना आपको क्लियर हो गया होगा। जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, जीन के मध्य के दूरी के, इसके जीन के मध्य की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब जीन के मध्य जितनी दूरी अधिक होगी उतना ही क्रॉसिंग ओवर होगा। इससे पहले आपने लिंकेज पढ़ा होगा तो वहां पर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा होगा कि जीन के मध्य की दूरी जितना कम होगा उतना ही अधिक लिंकेज होगा। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लगा हुआ है जीन यहां पर, तो यहां पर जीन के मध्य की दूरी जितनी अधिक होगी उतना ही क्रॉसिंग ओवर अधिक होगा। तो ये ध्यान देने वाली चीज है कि जितना दूरी अधिक होगा दो जीनों के मध्य उतना ही क्रॉसिंग ओवर के चांस होंगे अभी, तो ये चीज याद रखिएगा एक चीज ये है। इसके अलावा फिर जैसे क्रॉसिंग ओवर ये चीज समझ में आ गई आपको कि जीन के मध्य की दूरी जितनी अधिक होगी उतनी ही क्या होगी आपको इसके इसके मध्य क्रॉसिंग ओवर उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा किएजमेंट का पॉइंट, जो किएजमेंट का पॉइंट होता है उसकी संख्या किस पर डिपेंड करती है, तो जो किएजमेंट की संख्या मान लीजिए एक जगह लिंक होता तो एक किएजमेंट हो गया, अगर दो जगह लिंक होता है दो जगह लिंक जैसे यहां पर एक क्रोमेटिक बना रहा हूं मैं इसमें से ये, तो अगर गुणसूत्रों की दूरी जितनी अधिक होगी उतना ही क्या होगा लिंक करेगा। जैसे यहां पर मैं गुणसूत्र की दूरी बता रहा हूं ये तरह से, तो मान लीजिए गुणसूत्र ये है एक लिंक किया यहां पर किया तो एक लिंक यहां होगा एक लिंक यहां होगा, तो इस तरह से जो किएजमेंट पॉइंट होगा उतना ही संख्या में बनेगा। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, गुणसूत्र की दूरी के पर डिपेंड करेगा कि किएजमेंट का बिंदु कितना होगा, तो जितना अधिक बड़ा गुणसूत्र होगा उतना ही किएजमेंट की संख्या अधिक होगी। तो ये भी ध्यान देने वाली चीज है कि किएजमेंट की मतलब संख्या किस पर डिपेंड करती है, तो गुणसूत्र की दूरी पर डिपेंड करती है। तो ये चीजें याद रखिए क्रॉसिंग ओवर में, ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया आपको, आगे वीडियो में मैं इसके आगे बताऊंगा। ओके थैंक यू।